लेकिन अगर धर्म के नाम पर कुछ गलत सलत दिखाए ना बॉस, तो ऑडियंस खड़ी है आपको आपकी जगह दिखाने के लिए। जो मूवी है वो सेंसर बोर्ड ने बैन कर दी थी, तो कुछ आपत्तिजनक सीन्स थे उसमें, और सेंसर बोर्ड का कहना है कि इसमें एजुकेशन जो टॉपिक है, मतलब हमारे देश में कुछ दिनों से जो टॉपिक चल रहा है बच्चों को एजुकेशन देने के बारे में, तो उसके बारे में ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन सेंसर बोर्ड का ये कहना है कि इस टॉपिक पर कोई भी फिल्म इस तरीके से नहीं बनाई जा सकती, मतलब आप धर्म से जोड़कर, भगवान से जोड़कर इस टॉपिक पर मूवी लाओगे एंड उसकी स्टोरी पे आप भगवान से कनेक्ट कर ऐसे दिखाओगे जहां पर आपकी ऑडियंस के भावनाओं का अपमान हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, ऐसी मूवी को सेंसर बोर्ड अप्रूव नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पिछले दिनों में आदि पुरुष मूवी आई थी, आदि पुरुष मूवी में कुछ ऐसे लैंग्वेज का यूज किया गया था जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, और आदि पुरुष को ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था, वो बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। तो उसी से कहीं ना कहीं सीख लेकर OMG2 के मेकर्स को यह समझना चाहिए था कि ऐसी मूवी बनाना शायद बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और OMG2 से ऑडियंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी OMG1 की वजह से, लेकिन उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई हुई रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी में 20 कट्स लगाए गए हैं और ए सर्टिफिकेट दिया गया है। वक्त तो ऐसा आ गया था कि सेंसर बोर्ड इस मूवी को ए सर्टिफिकेट देने के लिए भी तैयार नहीं था, तो सोचिए ये मूवी कैसी हो सकती है। मतलब यू सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब मूवी बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं, ए सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब 18 साल उम्र के ऊपर के पर्संस मूवी को देख सके, तो ए सर्टिफिकेट देने में भी कहीं ना कहीं झिझक हो रही थी सेंसर बोर्ड को। लेकिन अब ए सर्टिफिकेट दिया गया है और 20 कट्स लगाकर ये मूवी 11 अगस्त को थिएटर्स में आने वाली है। सो इसमें तो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है कि ये मूवी 11 अगस्त को आने वाली है, तो कहीं ना कहीं मेकर्स ये ट्राई कर रहे हैं कि इस वीक को या फिर 31 जुलाई तक इस मूवी का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया जाए और इस मूवी से ऑडियंस को कनेक्ट कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत तो मदद होगी मूवी को सक्सेसफुल बनाने में। फिलहाल तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते इस मूवी के बारे में क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनी है, तो मूवी कैसी होगी इसके बारे में कोई भी राय देना अब गलत होगा, क्योंकि आदि पुरुष का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, उसके बाद अब OMG2 भी दूसरी आदि पुरुष ना बन जाए, बस यही चाहेंगे। लेकिन अगर धर्म के नाम पर कुछ गलत सलत दिखाए ना बॉस, तो ऑडियंस खड़ी है आपको आपकी जगह दिखाने के लिए। तो देखते हैं ये दोनों ही मूवी 11 अगस्त को आने वाली है, तो 11 अगस्त को आप कौन सी मूवी देखोगे आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। आपको किस मूवी का ज़्यादा इंतज़ार है, गदर 2 या OMG2? और कहीं ना कहीं आपको लगता है या नहीं कि अक्षय कुमार ने गदर 2 के साथ सनी पाजी के साथ पंगा लेकर गलत कर दिया है? ये तो कहीं ना कहीं आपको लगता ही होगा, अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।